हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक्नोनवलगढ़ चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो कभी ना कभी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक तो मिली ही होगी या सुना होगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम या कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने द फैमिली मैन वेब सीरीज को लेकर के एक वीडियो बनाई थी। 5 तारीख को सुबह 7 बजे के लगभग अपलोड की थी और 8 तारीख को दोपहर 1 बजे के लगभग मुझे ईमेल मिला, जिसमें लिखा था कि मेरी वीडियो को टेक डाउन कर लिया गया है और एक स्ट्राइक भी दे दी गई है। 2 मिनट और 8 सेकंड की उस वीडियो में मैंने प्राइम वीडियो एप्लीकेशन को केवल ओपन ही किया था, कोई वीडियो उसमें मैंने प्ले भी नहीं की थी, फिर भी मुझे अमेज़ॉन सेलर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है तो क्या करना चाहिए कि जिससे ये स्ट्राइक हट जाए। साथ ही कुछ सवालों के जवाब, जैसे कि कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में क्या डिफरेंस होता है और फेक स्ट्राइक आने पर हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, पूरी डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्नोनवलगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर ले और पास ही बने घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर ले, जिससे क्या होगा कि भविष्य में जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब आपको उसकी नोटिफिकेशन भेज देगा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने चैनल के डैशबोर्ड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल वॉयलेशन एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 में से 1 कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे मिल गई है। अगर मेरे चैनल पे 3 स्ट्राइक आ जाती है तो मेरे चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको कॉपीराइट किसने दी है और क्या कारण से दी है, तो सिंपली उसके लिए आपको एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कॉपीराइट स्ट्राइक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये दूसरी टैब ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी कि आपने क्या कंटेंट यूज़ किया है और आपको कॉपीराइट किसने दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्ट्राइक ऑन 8 जून, यानी कि मुझे 8 जून को स्ट्राइक मिली है जो एक्सपायर होगी 6 सितंबर को। कंटेंट रिमूव बाय अमेज़ॉन सेलर प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि मुझे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो वालों ने ये कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी है। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें यहाँ पे मैंने बताया था कि हाउ टू वॉच द फैमिली मैन वेब सीरीज, यानी कि आप कैसे वेब सीरीज को देख सकते हैं। बस इसी 2 मिनट के 8 सेकंड के वीडियो में मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गई है। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, इफ़ यू गेट 3 कॉपीराइट स्ट्राइक योर अकाउंट अलॉन्ग विद एनी एसोसिएटेड चैनल विल बी सब्जेक्ट टू टर्मिनेशन, यानी कि आपको 3 स्ट्राइक मिल जाती है तो आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम कि यदि आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाए तो कैसे हम उसे हटाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये हटे या ना हटे ये कॉपीराइट ओनर के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही आपको दूसरी तरफ ये देखने के लिए मिल जाएगा व्हाट यू कैन डू, यानी कि आप क्या कर सकते हैं। डू नथिंग, स्ट्राइक एक्सपायर आफ्टर 90 डेज, यानी कि आप कुछ नहीं करते हैं तो 90 दिन के बाद में ये कॉपीराइट स्ट्राइक ऑटोमेटिक हट जाएगी। और ये और आप कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट रिट्रैक्शन। हम सिंपली कॉपीराइट रिट्रैक्शन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए सिंपली रिक्वेस्ट रिट्रैक्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हम लर्न मोर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे इफ़ यू सबमिटेड टेक डाउन रिक्वेस्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं कि यहाँ पे copyright@youtube.com ये लिंक दिखाई दे रहा होगा तो हमें इसे सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये हमें अपने जीमेल के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, तो चलिए चलते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें ये अपने ईमेल के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पर कंपोज ईमेल आ चुका है, हमें यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दिख रही होगी और 2 के अंदर को हम ईमेल भेज रहे हैं। वहाँ पर ये देखिए copyright@youtube.com, सब्जेक्ट क्या है, कॉपीराइट रिट्रैक्शन के है, उसके अंदर आपको पूरा डिटेल में लिखना है कि सर, हमसे गलती हो गई है, जो हमने आपका कंटेंट यूज़ किया है, ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। और साथ में आपको अपने वीडियो का टाइटल दे देना है और साथ में वीडियो का URL भी दे देना है और सिंपली यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करके आपको ईमेल को सेंड कर देना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें क्या लिखना है कि डियर सर, आई एम सॉरी फॉर अपलोडिंग वीडियो, इसके अंदर आ जाएगा आपका वीडियो का टाइटल, यानी कि हाउ टू वॉच द फैमिली मैन वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 2 ऑल एपिसोड्स ऑन यूट्यूब इन विच आई हैव यूज्ड योर कंटेंट। आई अश्योर यू दैट आई विल नेवर अपलोड दिस टाइप ऑफ वीडियो इन फ्यूचर ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ रिट्रैक्ट द क्लेम, आई विल थैंकफुल टू यू। और वीडियो का URL आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और साथ में आपको सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
और साथ में ही मैं आपको ये पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चाहे तो कॉपी कर सकते ईमेल हैं। को सेंड करने के बाद में आपको 1 या 2 घंटे बाद में आपको YouTube की तरफ से एक ईमेल मिलेगा, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेलो ए कॉपीराइट ओनर कैन टेक देयर क्लेम, यानी कि ये जो जिसने आपको कॉपीराइट दी है उसका ओनर ही आपकी कॉपीराइट क्लेम को वापस कर सकता आप है। जानना चाहते हैं कि आपको कॉपीराइट किसने दी है, तो आप सिंपली यहाँ पे शो हो रहा होगा सेलेक्ट एक्शन, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, कॉन्टैक्ट क्लेमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको उसका ईमेल एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। इस ईमेल एड्रेस को आप सिंपली कॉपी करके आप इनसे ईमेल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप अपनी कॉपीराइट स्ट्राइक को वापस ले लें। राइट ऑनर आपकी स्ट्राइक वापस लेता है या नहीं लेता है वो उसके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं लेता है तो आपको ये 90 दिन तक आपके चैनल पे बनी रहेगी, और 90 दिन के बाद में ऑटोमेटिक ये कॉपीराइट स्ट्राइक अपने आप हट जाएगी। फ्रेंड्स, यदि आपके चैनल पे कोई फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, यानी कि आपने किसी के भी कंटेंट को कॉपी नहीं किया है और फिर भी आपके चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, इस फेक कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए आपको सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन को सबमिट करना होता है। ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, इसके अंदर यूट्यूब आपको और कॉपीराइट स्ट्राइकर को दोनों को कोर्ट में भेज देता है, जिससे आपका मामला वहीं पर सुलझ जाए। फ्रेंड्स, कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम में अंतर होता है। कॉपीराइट स्ट्राइक आने पर आपकी वीडियो को टेक डाउन कर लिया जाता है, जबकि कॉपीराइट क्लेम आने पर आपकी वीडियो को डिलीट नहीं किया जाता है। कॉपीराइट क्लेम में वीडियो में आने वाले सारे रेवेन्यू उस ओरिजिनल कंटेनर को चला जाता है, और आप चाहे तो कॉपीराइट क्लेम को खुद से ही उस क्लेम को हटा सकते हैं। जहाँ पे आपका कॉपीराइट क्लेम आया है उस पार्ट को आप वीडियो में से डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा, मगर हम कॉपीराइट स्ट्राइक को खुद से नहीं हटा सकते। और फ्रेंड्स, यदि आप अपनी यूट्यूब वीडियो में हेट स्पीच, न्यूडिटी, चाइल्ड अब्यूजिंग, हेरेसमेंट, पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट को यूज़ करते हैं, तो इसके लिए यूट्यूब आपको कम्युनिटी स्ट्राइक दे देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट करिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।